हाउ आर यू, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आज हम क्या सीखेंगे, तो फॉनिक्स वर्ड सीखेंगे। अगले लेक्चर में भी हमने फॉनिक्स वर्ड सीखे ना, तो आज हम नए फॉनिक्स वर्ड सीखेंगे। तो कौन कौन से फॉनिक्स वर्ड सीखेंगे, तो एएस एंड एनिवर्स, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल किया है, उसमें मैंने कौन सा लिखा है फॉनिक्स वर्ड, एएस, और फिर इसमें मैंने दो लेटर लिखे हैं, लिखे ना डिफरेंट। तो आपको इस लेटर का, इस फॉनिक्स वर्ड के साथ यूज करके क्या बनाना है, स्पेलिंग वर्ड बनाना है, ठीक है। तो पहला कौन सा है लेटर, जी, फिर एएस का यूज करना है, क्या बनेगा, G-A-S, क्या बना, G-A-S मतलब सिलेंडर। आपने देखा होगा मम्मा जो खाना बनाती है, जो सिलेंडर होता है ना, गैस की बॉटल, उसे क्या कहते हैं, G-A-S मतलब सिलेंडर की बॉटल, ठीक है। उसका कलर कैसा होता है, रेड, जो गैस की बॉटल होती है सिलेंडर, उसका कलर कैसा होता है, रेड, ठीक है। तो फिर क्या है, एच, इसका एक साथ फॉनिक वर्ड के साथ यूज करके कौन सा बनेगा स्पेलिंग, एच ए एस हैज, हैज मतलब कोई भी चीज, वो उसे क्या कहते हैं, पास होना, क्या होता है उसका मतलब, पास होना। जैसे कि ही हैज अ टॉय, उसके पास खिलौना, उसका मतलब होता है जो हम सेंटेंस बनाते हैं ना उसमें उसका यूज होता है, ठीक है। तो एस हैज, फिर क्या है, मैंने कौन सा पिक्चर ड्रॉ किया है, बटरफ्लाई, ठीक है। उसमें मैंने दूसरा कौन सा वर्ड लिखा है, कौन सा है, ए एक्स एक्स, पहले हमने कौन सा सीखा, कौन सा सीखा, एएस, अब उसके बाद कौन सा आया, एएस, ठीक है ना, एएस। तो उसमें भी सिर्फ बनता है, ये मैंने लेटर लिखे, ठीक है ना, ये क्या है, बटरफ्लाई की पंख है ना तितली के, तो उसका यूज करके हम स्पेलिंग बनाएंगे, ठीक है। तो एक कौन सा लेटर है, टी, ए एक्स टैक्स, ए एक्स एक्स मतलब क्या होता है, पता है आपको, अब कोई भी चीज खरीदते हो उस पे हमें क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। जैसे हम घर में कुछ नए लाते हैं, रेफ्रिजरेटर लाते हैं, टेलीविजन लाते हैं, या कोई भी चीज लाते हैं या खरीदते हैं, जैसे कि मोबाइल भी खरीदा हम, तो जो उसकी प्राइस है उस पर हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स, ठीक है। तो ये कौन सा बना, टैक्स, ठीक है। फिर क्या है, डब्ल्यू ए एक्स वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है, पता है आपको, आपने कैंडल देखी है ना, देखिए मैं देखी कैसी होती है, कैसी होती है ना, होती नहीं होती है, फिर इसको हम जलाते हैं, इसको जलाते हैं, फिर ये जो उसका होता है वो पिघलता है, ये सब पिघल के ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वैक्स कहते हैं। जो कैंडल होती है इसे हम जलाते हैं, और जब वो पिघलता है तो जो ये जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैक्स, डब्ल्यू ए एक्स वैक्स, ठीक है। वैक्स से कौन कौन से बने, और डब्ल्यू ए एक्स वैक्स, ठीक है। अब कौन सा वर्ब आया, कौन सा वर्ड, एन, कौन सा आया, एन, तो ये क्या है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, बादल तो होते हैं, क्लाउड है, फिर स्टार है, स्टार है ना, उसमें मैंने दो लेटर लिखे, लिखे ना, तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, स्पेलिंग बनाएंगे। ये क्या है, सी ए बी कैब, कैब मतलब पता है आपको, कैब
ए ओला आती है, आती है ना, उबेर आती है। कैब मतलब होती है जो हम बाहर जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, कैब, सी ए बी कैब। ठीक है, ये क्या है, बी ए बी कैब। कैब मतलब क्या होता है पता है, कैब मतलब धीरे से किसी को ऐसे आप मारते हैं ना, टपी मार, किसी को आप ऐसे धीरे से मारते हो उसे लैब कहते हैं। अगर आप एक सटा दे के मारोगे तो वो नहीं होता है, धीरे से आप किसी को ऐसे करते हो तो उसे क्या कहते हैं, डैब मतलब टपी मारना। ठीक है, आज हमने कौन कौन से फोनिक्स वर्ड सीखे, एस ठीक है, तो एस में से कौन कौन सा हुआ, जी एस गैस। गैस मतलब जो सिलेंडर की बॉटल में आता है ना अंदर, जिससे मम्मा खाना बनाती है, उसे क्या कहते हैं, गैस। फिर एस, गैस का यूज किसमें होता है, सेंटेंस बनाने में होता है, इसका मतलब होता है पास होना। फिर एक्स, एक्स से कौन सा बना, टी एक्स टैक्स, उसका मतलब ये होता है हम कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर हमें क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। ठीक है, फिर डब्ल्यू ए एक्स वैक्स, वैक्स मतलब पिघल, जो एक टेंडर है वो पिघल के उसका वैक्स जमा होता है, उसे क्या कहते हैं, डब्ल्यू ए एक्स वैक्स। ठीक है, और फिर क्या है, एनी, तो सी ए बी कैब, कैब मतलब टैक्सी, जैसे ओला होती है, उबेर होती है, हम किधर बाहर जाना होता है तो हम जैसे ओला या उबेर करके जाते कहीं जाते, उसे क्या कहते हैं, सी ए बी कैब। फिर क्या है, डी ए बी कैब, कैब मतलब टपली मारना, जैसे किसी को ऐसे टपली मारते हैं उसे क्या कहते हैं, डी ए बी कैब। समझ में आ गया आपको, तो आपको क्या करना है, मम्मा एक रिंग लगा देगी, फिर एस के दो स्पेलिंग आपको लिख देगी, जैसे कि ये एस गैस और एच एस हेल्थ, ऐसे लाइन ड्रॉ करके, तो आपको उसे फुल फुल लाइन लिखना है। ठीक है, और आप देखो मैंने स्मॉल लेटर में लिखे तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। फिर वैसे आपको एस के लिखने है वो भी टू है, तो उसको भी आपको फुल फुल लाइन, इन तीनों को आपको फुल फुल लाइन अच्छे हैंडराइटिंग में प्रॉपर लाइन में लिखना है। समझ में आ गया आपको। ठीक है, आज हमने कौन कौन से फोनिक्स वर्ड सीखे हैं, ए एस ए एक्स एंड ए वी वर्ड। ठीक है, चलो बाय बाय।